आज हम पहुंच चुके हैं सौरक के संजय नगर में। यहाँ की युवा जनता आखिरकार में किस तरफ अपना रुख बनाए हुए है? सचिन चतुर्वेदी। ये सचिन चतुर्वेदी जी हैं या? मैं तो मनीष यादव डम्पी को। मनीष यादव को, ठीक है, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे। जी जी। तो ऐसे, और जो आप अपना वोट करना चाह रहे हैं वो किस विकास मुद्दों पर अपना करना चाह रहे हैं? विकास के मुद्दों में वोट करना है, क्योंकि जो 5 साल से विकास कार्य रुके हुए हैं तो उन्हें आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मेरा तो ऐसे। अभी क्या कार्य रहे इन 5 सालों में जब विकास रुका हुआ है सौरे का, विशेष विकास? विकास आप देखिए, सबसे बड़ा उनकी क्वालिटी देखिए, आप जो रोड वगैरह बनाई हुई है वही आप देख लीजिए, अभी 2 साल पहले बनी हुई है तो वहीं से आप समझ सकते हैं। और जो डम्पी की कार्यकाल में बनी थी काफ़ी अच्छी बनी, काफ़ी सही थी, तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ डम्पी। ठीक है, मन तो बनाया होगा, किसको वोट देंगे? हाँ देंगे, सत्ता पक्ष में देंगे? देंगे, सत्ता पक्ष में नहीं देंगे पर देंगे। तो वोट आप अपने किन मुद्दों पर करना चाहते हैं? विकास। विकास पर जी, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट? किसी को हो, कोई भी हो प्रत्याशी, कोई भी हो, वोट बीजेपी को होगा। जी बिल्कुल। मनोज कुमार है। मनोज जी, आप अबकी बात चेयरमैनी चुनाव में क्या चाहते हैं? सर मैं विकास चाहता हूं, और नगर की सबसे पहले समस्या ये होती है कि जो नगर में जो गलियां होती हैं, रोड़े होती हैं, उनकी इतनी हालत खस्ता हुई है, पड़ी हुई है, और गंदगी का जहाँ पे जैसे किसी के मकान के सामने जो पड़ी गंदगी इतनी भयंकर होती है कि वो लोग विचार नहीं करते कि यहाँ इतनी भयंकर बीमारी फैल रही है, उसे विचार नहीं करते हैं। और वहाँ पे ना कोई देखने वाला आता है, जो भी सफाई कर्मी जो होता है वहाँ पे क्या करता है, कचरा पानी डाल देता है। क्या कहना है कि मैंने यहाँ पर सफाई कर्मी लगा रखे जो घर घर जा करके सीटी बजा के घर घर से कचरा उठाते हैं? नहीं, वो बात को मानता हूँ, सीटी बजा के मारते हैं, लेकिन वो किसी के घर के सामने डाल देते हैं। तो मतलब कहीं से उठाया किसी के? हाँ, किसी घर के सामने डाल देते हैं। और जब उनसे जो सफाई कर्मी उनसे कहते हैं कि भैया यहाँ क्यों डाल रहे हो, कि मुझे तो वार्ड वहाँ से मिला, हमको वहाँ मेरी मजबूरी वहाँ डालता हूँ। और जब भरने आते हैं उनसे मैं कहता भैया उनको साफ कर दो, कहते भैया नहीं साफ कर पाऊँ मैं। मतलब ये जो गलतियाँ हैं वो कर्मचारी की गलती? बिल्कुल सर, कर्मचारी। इसकी आपने शिकायत की चेयरमैन? मैंने की, मैं ऑफिस गया, मैं लेटर जारी कराया, मैंने उनसे बोला भैया ये सफाई करवा दो, बोले मैं आऊँगा, वो अभी तक कोई आए नहीं यहाँ पे। आज नहीं, मैं आज के 3 साल पहले भी गया था उनके पास, मेरा उनके पास लेटर भी है, बाई नेम लेटर मेरा उनके पास है। और जब सफाई जब लास्ट टाइम आता है तब सफाई करवा देते वो लोग। अभी क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? मैं ये चाहता नहीं, बदलाव अलग चीज़ है, अच्छा काम करो, मैं बदलाव अलग चीज़ है, बदलाव करो भाई, जो सफाई जो अच्छा काम करो, अच्छा विकास करो, अच्छे कार्य करो। गली आज भी इतनी उबड़ खाड़ पड़ी हुई है, आप निकल जाओ, ये संजय प्रताप संजय अच्छा ना मोहल्ला, यहाँ के रास्ता इतनी उबड़ खाबड़ है कि आप वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। और ये नहीं मोहल्ला है, कई गलियाँ ऐसी तमाम पड़ी हुई हैं जहाँ से आप नहीं निकल सकते हैं, उबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं, खड़ंजा टूटा फड़ा हुआ है। उन्होंने क्या हुआ कि जो टंकी जो पानी कनेक्शन हुआ उन रोड तोड़ दी, पैप बिछा दिया, लेकिन उन पर मरम्मत नहीं करा पाई। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि विकास कार्य में जो है ये कोरोना काल भी बीच में रहा इन 5 सालों के बीच में? हाँ, इसकी वजह से कहीं प्रभावित? दो साल था ये तो असत्य है कि कोविड भी रहा 2 साल तक, तो उसमें समस्या तो रही खैर, लेकिन विकास नहीं हो पाया, कुछ समस्या सरकार के द्वारा भी नहीं हो पाई पूरी, उसमें भी थोड़ा पिछड़ गया काम। लेकिन अब जो समय आया है तो थोड़ा विकास बढ़वा दीजिएगा, नाला भी चौक हो जाता है, नाले में इतनी बदबू आती है, मच्छर ऐसे होते ये रही बीमारी के ऊपर, यहाँ क्या होता है, इतने मच्छर हो गए हैं कि अभी तक इस टाउन के अंदर हमारे साथ हमारे मोहल्ले में नहीं छिड़का हुआ दवाई का, तो पूरे सारे शहर में नहीं हुआ। तो डेंगू बीमारी जो अभी है गंदगी की वजह सबसे ज़्यादा चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में भी डेंगू की वजह अलर्ट जारी होने वाला है। जी जी हाँ, आप अगर कहीं भी कैमरा घुमा देंगे तो मच्छर आपको दिखाई देंगे। स्वास्थ्य विभाग भी नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे जो है दवाई छिड़काव कराएं, मच्छर को ख़त्म कराएं, नहीं सोच रहा है। यहाँ सौरख में जो है कुछ ही लोग हैं जो अपनी पूरी बात कह रहे हैं, विकास के कार्य की बात करें, वोट की बात नहीं कह रहे हैं, कहीं किसी जो भी विकास कराएगा ये उनको वोट देंगे, लेकिन विकास कहीं ना कहीं ज़रूरी है, स्वास्थ्य को लेकर के भी और शिक्षा को लेकर के भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ की युवा जो हैं वो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, भाग रहे हैं कि ये अपनी बात नहीं रख सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए।